नमस्कार, आप देख रहे सत्यहिंदी.com। मैं हूं आपके साथ पवन उप्रेती। सत्यहिंदी.com में आज हम बात करेंगे कांग्रेस में चल रही उथल पुथल को लेकर। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस में टीम राहुल गांधी और अभी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी माता टीम सोनिया गांधी के बीच कोई खटपट चल रही है। कहा जा रहा है कि इन दोनों टीमों के नेताओं के बीच आपसी तालमेल को लेकर बात नहीं बन पा रही है, कुछ तनातनी चल रही है। और ये ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब से सोनिया गांधी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार संभाला है तो उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं, और इन फैसलों के बाद जो राहुल गांधी की टीम है और जो सोनिया गांधी की टीम है उसके बीच कुछ असहज करने वाली स्थिति बन रही है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। ऐसे समझते हैं कि हरियाणा में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे अशोक तंवर, उनके खिलाफ हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा जोर लगाया हुआ था कि उनको हटाया जाए, लेकिन पिछले 3 साल से हुड्डा जोर लगाए बैठे थे कि किसी न किसी तरह अशोक तंवर को पार्टी अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए। उनके समर्थकों की भी यही मांग थी, लेकिन राहुल गांधी ने उनको पार्टी अध्यक्ष पद पर बनाए रखा था। जब हुड्डा ने रोहतक में रैली की कुछ दिन पहले और चेतावनी दी कि अब वो इस पर फाइनल फैसला ले लेंगे, तो तब तक कमान सोनिया गांधी के पास आ चुकी थी कांग्रेस पार्टी की। सोनिया गांधी ने तुरंत फैसला लिया और अशोक तंवर को उनके पद से हटा दिया। तो इससे ये संदेश गया कि सोनिया गांधी के साथ जो पुराने कांग्रेस के जो पुराने लीडर हैं उन लीडर्स की एक टीम है, और जो राहुल गांधी ने अपने नई टीमें खड़ी की थी पिछले 7-8 सालों में कांग्रेस के अंदर, इनकी एक अलग टीम है। और सोनिया गांधी ने जब तंवर को हटाया तो मैसेज ये गया कांग्रेस पार्टी के अंदर और जो राजनीति कांग्रेस की देखते हैं उनके बीच कि ये पुराने और नए नेताओं के बीच एक लड़ाई है, जो लड़ाई पिछले कुछ कई सालों से चल रही थी। और ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? ये लड़ाई यहाँ से शुरू हुई थी कि जब राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जब वो फिर अध्यक्ष बने उस समय उन्होंने युवक कांग्रेस और NSUI के चुनाव कराए थे। तो NSUI और युवक कांग्रेस में जब उन्होंने आंतरिक संगठन के चुनाव कराए तो इस आंतरिक संगठन के चुनाव में होता यह था कि कांग्रेस पदाधिकारी जो युवा थे वो आपस में चुनाव लड़ते थे। इस वजह से जो गुटबाजी कांग्रेस में बढ़ रही थी, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस बात की शिकायत की थी कि ये जो आंतरिक संगठन के चुनाव हैं इस वजह से पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी में गुटबाजी बढ़ रही है। लेकिन तब भी इस बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया था, लेकिन अब ये जो कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि इस बारे में फैसला हो सकता है कि पार्टी आला कमान को बता दिया गया है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस बार भी कांग्रेस की हार हुई है, बहुत बुरी हार हुई है, तो ये जो आंतरिक संगठन के चुनाव है इनको पार्टी में युवक कांग्रेस में और NSUI में ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इस वजह से पार्टी कमजोर भी हो रही है और पार्टी में कुछ हद तक गुटबाजी भी बढ़ रही है। इसके अलावा जो हम इस बारे में अगर बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू का जब मामला आया था तो नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में भी टीम राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों आमने सामने दिखाई दिए थे। उस समय हुआ ये था कि नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा ये कहते रहे कि कैप्टन जो है उनके वो राहुल गांधी हैं, लेकिन उनको अमरिंदर सिंह से खटपट के बाद पार्टी छोड़नी पड़ी, पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा, और तब तक राहुल गांधी के हाथ से पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान निकल चुकी थी। तो उस समय ये भी खबरें आई थी कि सोनिया गांधी से मिलने तक का भी समय नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं मिला था, और बाद में उनके पास ये स्थिति नहीं थी क्योंकि राहुल गांधी कुर्सी से हट चुके थे, तो उनके पास इतनी पावर भी नहीं थी कि वो पार्टी हाईकमान को अपनी ताकत दिखा सकें या अपनी नाराजगी का इजहार कर सकें। तो लास्ट में उन्होंने परेशान होकर इससे पंजाब कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस की हालत खराब है, लगातार 2 लोकसभा चुनाव पार्टी हार चुकी है और कई राज्यों में जहां पर उसकी सरकार है वहां वो गुटबाजी से परेशान है। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी उसको गुटबाजी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। महाराष्ट्र कांग्रेस की गुटबाजी सरेआम है और हरियाणा में तो इतनी ज़बरदस्त गुटबाजी है कि प्रदेश अध्यक्ष को एन चुनाव से पहले हटाना पड़ा है। तो इस तरह की गुटबाजी आपकी मध्य प्रदेश में भी आप देखें तो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ज़बरदस्त गुटबाजी वहाँ है। राजस्थान में अगर आप देखें तो गहलोत और पायलट खेमों के बीच है। कर्नाटक में उसके कई MLA जा चुके हैं, वहाँ इस्तीफे के कारण उसकी सरकार गिर चुकी है। गोवा में उसके विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और महाराष्ट्र में कई नेता
बड़े नेता वहां पार्टी छोड़कर चले गए। ऐसे हालात में इस तरह की खबरें आना कि अगर सोनिया गांधी कोई फैसला पार्टी के अंदर करती हैं बतौर पार्टी अध्यक्ष होते हुए, उसमें अगर टीम राहुल के लोगों को कोई दिक्कत होती है या इस तरह की खबरें आती हैं कि टीम राहुल के लोगों को सोनिया गांधी ने फैसलों के द्वारा हटाया है, तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए एक नुकसानदेह बात है और बहुत ही गंभीर बात है। और इसके अलावा ये सवाल ये भी उठते हैं कि जब राहुल गांधी कह चुके हैं कि वो बतौर पार्टी कार्यकर्ता वहाँ पे काम करेंगे, पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी नहीं संभालेंगे, तो उसके बाद भी अभी जो हालिया फैसले हुए हैं जैसे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया जाना या कुछ राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाना, राजनीति के जो जानकार हैं वो बताते हैं कि इन फैसलों में राहुल गांधी का दखल है। तो इसको लेकर भी सवाल उठते हैं कि जब पार्टी की कमान सोनिया गांधी के हाथ में है और वो कुछ फैसले ले रही हैं, तो इसके बीच में राहुल को अपनी टीम भी वहाँ पर खड़ी करनी है और वो पार्टी अध्यक्ष भी नहीं रहना चाहते। तो इस तरह की जो खबरें हैं पार्टी के लिए वो निश्चित रूप से नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, क्योंकि गुटबाजी पार्टी के सामने है और विधानसभा चुनाव पार्टी के सामने है, वहाँ स्थिति ठीक नहीं है, लोकसभा चुनाव में पार्टी हार चुकी है। तो पार्टी के जो निराश कार्यकर्ता हैं, पस कार्यकर्ता हैं, उनमें अगर पार्टी को जान फूंकनी है, उनको फिर से खड़ा करना है, संगठन को बनाना है, तो पार्टी को निश्चित रूप से इस तरह की बातों को ख़त्म करना होगा जिससे वो बीजेपी के संगठन का मुकाबला कर सके। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। एक अपील मैं आपसे जरूर अंत में करना चाहूँगा कि आप सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।